हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबको अपने साथ जनपद मार्केट विजिट करवा रही हूँ। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं जो एयरिंग्स का कलेक्शन है, यहाँ पर आपको एयरिंग्स का कलेक्शन बहुत ही अमेजिंग मिलेगा और इन जस्ट ₹250 और ₹300 की रेंज में आपको बहुत अच्छे नेक पीसेस मिल जाएंगे। और 120-150 की रेंज में आप कोई भी एयरिंग, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। उसके बाद अब भी आते हैं बैग्स के सेक्शन पर। तो यहाँ बहुत ही अमेजिंग और बहुत रीसेंट ट्रेंडी बैग्स यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल थे, जो नॉर्मल रेंज के थे 450, 400, 500 की रेंज में आप यहाँ से बहुत अच्छे बैग्स लेकर जा सकते हैं और जिनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और इस रेंज में आपको ये कलेक्शन और कहीं नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर हैंड ब्रेसलेट और हैंड कड़ा के बहुत अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में सारे ऑप्शन अवेलेबल थे, नेक पीसेस भी बहुत अच्छे अवेलेबल थे यहाँ पर। यू भी जस्ट 200 और 250 के रेंज में थे ये सारे नेक पीसेस भी और हैंड पीसेस भी। उसके बाद मैं गई अपने फेवरेट कॉर्नर पे जो था श्रग्स का। यहाँ पर सीक्वेंस के श्रग्स का बहुत अच्छी वैरायटी थी जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है यहाँ पर, और मैंने अपने लिए भी परचेज़ किया है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कौन सा है वो। ब्लैक श्रग मैंने अपने लिए परचेज़ किया है, जो आप किसी भी नॉर्मल प्लेन ब्लैक ड्रेस को आप इसके ऊपर कैरी कर सकते हैं, इसके साथ टीम अप कर सकते हैं और ये बहुत ही स्मार्ट लुक देते हैं। आप इसको डेनिम और ब्लैक टॉप के साथ भी कैरी कर सकते हैं, ब्लैक जंप सूट के साथ भी और ब्लैक सिंपल ड्रेस के साथ भी। उसके बाद यहाँ पर कुर्तीज़ की भी कलेक्शन बहुत अच्छी थी, इनके नेक और बॉटम पर वर्क था। आगे गए तो मुझे कुछ लखनवी स्टाइल की कुर्तीज़ अच्छी लगी और वो कॉस्ट करेंगे आपको 900 और 800 रुपीज़ में। ये ग्रीन वाली कुर्ती मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मैंने अपनी मदर के लिए ली है। उसके बाद आपको यहाँ पर वाइट चिकनकारी के भी बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आपको कुशंस चाहिए तो कुशंस के भी बहुत अच्छी वैरायटी थी, बट ओवर एक्सपेंसिव थी, थोड़ी एक्सपेंसिव नहीं थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। नहीं तो नॉर्मल आप अगर कहीं नॉर्मल मार्केट से अगर आप परचेज करते हो तो आपको इतना कॉस्टली नहीं पड़ता है। यहाँ कुशन की कलेक्शंस काफ़ी कॉस्टली थी, बट थी तो बहुत अच्छी, कॉस्टली ज़्यादा थी। टेबल मैट्स, टेबल कवर्स के बहुत अच्छे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल थे, कवर्स के बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल थे। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ वॉचेस की वॉल क्लॉक्स की कलेक्शन देखी, वो भी बहुत अच्छी थी, रीसेंट ट्रेंडी डिज़ाइन। अगर आपके घर को अगर आपको डेकोरेट करना है तो डेकोरेटिव मटेरियल भी बहुत अच्छा था। फिर कुछ आगे जाकर मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे टॉप्स की कलेक्शन दिखी और वो भी सिर्फ 200 और 300 की रेंज में, बहुत अच्छे कलेक्शन के टॉप थे। आप यहाँ पर समर मैक्सी ड्रेसेस भी ले सकते हैं, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 300 और 350 रुपीज़। आपको यहाँ पर 400-500 की रेंज में बहुत अच्छी कलेक्शन मिल जाएगी। उसके बाद हमें भूख लग गई तो हमने खाए गोलगप्पे। गोलगप्पे खाने के साथ साथ हमने खाए मोमोज। टमी फिल करने के बाद हम लोग वापस गए, थोड़ा सा और आगे गए और शॉपिंग के लिए। तो हमने और मार्केट एक्सप्लोर करी तो आगे जाकर कुछ और टॉप देखे तो उनकी कलेक्शन भी बहुत अच्छी थी। कॉट सेट्स आपको बहुत अच्छी रेंज में कॉटन के मिल जाएंगे यहाँ पर, और ये भी आपको 700-800 की रेंज में मिल जाएंगे। और आपको ऐसे चिकनकारी कुर्तीज़, ट्यूनिक्स आप ले सकते हैं यहाँ पर। क्रॉप टॉप के साथ के कॉट सेट आपको यहाँ पर बहुत अच्छी रेंज में मिल जाएंगे। और कलर समरी कलर्स ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे यहाँ पर। आपको अगर कुर्ती वेयर करना चाहते हैं आप समर्स में, टॉप डेनिम नहीं वेयर करना चाहते हैं, तो कुर्तीज़ की कलेक्शन भी यहाँ पर बहुत अच्छी थी और सारे समर कलर्स थे। तो आप कोई भी कुर्ती यहाँ से 500-600 की रेंज में ले सकते हैं। चिकनकारी में, लखनवी स्टाइल में भी कुर्तीज़ बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट हम फुटवेयर के काउंटर पर गए तो फुटवेयर के भी ऑप्शंस बहुत अच्छे थे। नॉर्मल आपको बैली स्टाइल में नॉर्मल कोल्हापुरी चप्पल की कलेक्शन आपको यहाँ पे बहुत अच्छी मिल जाएगी। हील्स की काफ़ी अच्छी वैरायटी थी और वो भी सिर्फ 400-450 की रेंज में ये सारी कलेक्शन मार्केट में अवेलेबल थी। कोल्हापुरी चप्पल्स का तो बहुत अच्छा स्टॉक आया हुआ था मार्केट में, और इसी के साथ मेरी शॉपिंग हुई एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।